नोबिता, जेनी का दोस्त जैक कहीं खो गया है। क्या सच में शिज़ुका? जानते हो नोबिता, जेनी बहुत ही उदास लग रही है और जेनी और जैक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और तुम्हें पता है, जैक कहीं खो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया है वो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि गुड्डा खो गया है, उसे रखकर भूल गई या उसे कहीं गलती से फेंक दिया हो? नोबिता, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूं कि तुम चले जाओ? समझ नहीं आता, शिज़ुका अब भी गुड्डों के साथ खेलती है, मैं तो नहीं खेलता गुड्डे गुड्डियों से। हाँ नोबिता, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो डेकीसुकी? शिज़ुका ने मुझसे फोन करके कहा कि मैं जल्दी मिलने आऊँ, बाद में मिलते हैं, बाय। अब तो शिज़ुका डेकीसुकी पर गुस्सा होगी। लेकिन डेकीसुकी एक होशियार लड़का है। मुझे समझ नहीं आता तुम अपनी डॉल कैसे खो सकती हो। हाँ डेकीसुकी, चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ, क्या सच कह रहे हो डेकीसुकी? तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। टाई, ये क्या है? अरे टाई, टाई। ये क्या बात है, मैंने पकड़ लिया, मजा आ गया। ये तुम क्या कर रहे हो? डॉल ऑटोमेशन साउंड वेव। नोबिता, तुम तो विश्वास ही नहीं करोगे, ये गैजेट एक खास तरह की साउंड वेव बनाता है। इसकी एक और खासियत है, ये एक पैरालाइज भी बना सकता है। पैरालाइज बना सकता है? ओ नहीं। तुम्हारा मतलब ये एक असली चीज की तरह घूम सकता है? बोलो। हाँ, तुमने सही कहा। मैं शिज़ुका की मदद कर सकता हूँ गुड्डे को ढूंढने में, बहुत बढ़िया। अच्छा तो ये बात है, ये नामुमकिन है कि एक डॉल अपने आप घर से जा सकती है। जरूर किसी ने उस डॉल को तुम्हारे घर से उठा लिया होगा शिज़ुका। लेकिन ऐसा कौन करेगा? शायद ये किसी इंसान का काम नहीं है, हो सकता है ये किसी बिल्ली का काम हो। हाँ घबराओ मत, उसे कुछ नहीं हुआ होगा शिज़ुका, मुझे पूरा यकीन है कि वो यहीं कहीं पड़ा हुआ मिलेगा। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन ऐसा कौन करेगा? लेकिन जेनी, तुम बिल्कुल भी उदास मत होना, हम उसे ढूंढ निकालेंगे शिज़ुका। शुक्रिया डेकीसुकी। मैं ये पोस्टर्स हर जगह चिपका देता हूँ और तुम घर घर जाकर पूछताछ करो। ठीक है। हाँ? क्या सच में शिज़ुका चली गई आंटी? हाँ वो डेकीसुकी के साथ कहीं गई है, तुम चाहो तो उसका इंतजार कर सकते हो नोबिता। ठीक है। वो डेकीसुकी के साथ कहाँ गई होगी, मुझे कुछ बताया भी नहीं। क्या तुम सच में अकेली हो गई हो? मैं इस गुड़िया के दिमाग को कभी भी नहीं समझ पाऊंगा, जरा सोचने दो। आइडिया, मैं साउंड वेव से सुन सकता हूँ। अब तुम मुझे बता सकती हो कि जैक को कौन लेकर चला गया? हाँ? अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम रोने क्यों लग गई? हाँ? अरे तुम कहाँ जा रही हो? रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती। हाँ, हाँ, अब मैं क्या करूँ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, अगर वो खो गई तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सुनिए अंकल, माफी चाहती हूँ, पर क्या आपने यहाँ पर कहीं आसपास किसी गुड्डे को देखा? नहीं, मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा बेटा। क्या आपने यहाँ कहीं आसपास किसी गुड्डे को देखा है? नहीं देखा। नहीं बेटा, मैंने नहीं देखा। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं। शिज़ुका रुक जाओ, क्या कुछ पता चला? हाँ। अरे डेकीसुकी तुम? मैंने पूरे शहर में पोस्टर्स चिपका दिए हैं, हमें जरूर कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। देखो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, ओके? तुम बहुत अच्छे हो डेकीसुकी। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। डेकीसुकी तुम्हें तो मैं देख लूंगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। अब मैं इसे जेनी की खोने की खबर कैसे दूंगा, क्या करूं? बाद में मिलते हैं शिज़ुका। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नोबिता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वो मैं शिज़ुका, दरअसल सुनो शिज़ुका, मुझे तुमसे
जैनी के बारे में जरूरी बात करनी है। जैनी, उसको क्या हुआ? शिजुका, मैंने उसे ये साउंड वेव दिया। तो फिर? वो रो रो के अचानक घर से भागकर पता नहीं कहाँ चली गई। शायद वो जैक को ढूंढने निकल गई है शिजुका। मुझे माफ कर दो शिजुका, प्लीज मत रो। डोरेमोन, मेरी मदद करो वरना शिजुका मुझसे कभी नहीं बात करेगी। गलती तो तुम्हारी ही थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसे ढूंढते हैं। हेलो प्यारी बिल्ली, हमें तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुमने यहाँ किसी डॉल को देखा है? वो काली बिल्ली लेके गई है। तो ये बात है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। क्या कहा इसने, मुझे भी बताओ। उसने मुझे बताया कि उसे किसी बिल्ली ने पकड़ लिया है। क्या एक बिल्ली ने? अब जाए कहाँ पर होगा डोरेमोन? वो एक काली बिल्ली है और जो चीज उसे पसंद आती है वो उसे चुरा लेती है। सुनो जैक, तुम कहाँ पर हो? जैक कहाँ पर हो? यहाँ पर तो बहुत सारी बेकार चीजें पड़ी हैं। ये सब देख लिया लेकिन जैक कहीं पर भी नहीं मिला। हाँ तुम सही कह रहे हो। क्या हुआ? ये तो उसी डॉल के जूते हैं। इसका मतलब जैक यहीं पर था। मतलब वो यही कहीं है। हाँ? हे काली बिल्ली, ऊपर देखो। सुनो, तुमने जैक को कहाँ रखा है बताओ। जल्दी बताओ मुझे। समझ नहीं आ रहा क्या करे। कम से कम कुछ तो पता चला। उसने मुझे बताया कि वो डॉल उसे बहुत पसंद थी लेकिन वो कहीं गया और किसी ने उसे चोरी कर लिया। मुझे उस पर शक है। हाँ, समझ गया। चलो इस खिलौने को इस्तेमाल करते हैं। मुझे गैजेट दो डोरेमोन। तुम्हें मेरा एक काम करना है, इस जूते की स्मेल का पीछा करो। वाह, कभी कभी तुम भी अच्छा आइडिया देते हो। हाँ, क्या इस घर में है? हाँ, वो प्यारा सा गुड्डा मेरे ही घर में है। कहीं तुम उसे ही तो नहीं ढूंढ रहे? सच में? हाँ, मैंने उसे बचाया, उसको कोई झाड़ियों में छोड़कर चला गया था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह, पर मैं ये गुड़िया तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी। हाँ? क्योंकि जब ये मेरी डॉल पैटी से पहली बार मिला वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन वो तो शिजुका का गुड्डा है, तो मैं ऐसे नहीं ले सकती। पर मैं उनके बीच की दोस्ती को नहीं तोड़ सकती, बिल्कुल नहीं, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। लेकिन सुनो, अब हम क्या करें? ये पक्का जैनी होगी, पर उसे इस जगह के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि उनकी गहरी दोस्ती है इसलिए। चलो उसके पीछे चले। रुको! वाह, क्या बात है नोबिता, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो जा कितना खुश लग रहा है। बिल्कुल नहीं, मुझे तो वो बहुत उदास लग रहा है। हाँ? क्या तुम सच कह रही हो? कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो पैटी का दोस्त है, ये ऐसे कैसे खुश हो सकता है? वो नहीं मान रही, अब क्या करें? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए नोबिता। इनको आपस में बात करने देते हैं, प्लीज बात करो बिना किसी डर के। अब तुम सब आराम से बातें कर सकते हो, समझ गए? जैक का पीछा कर रही है। पता नहीं अब आगे क्या होगा। तो ये बताओ अब तुम इसके बारे में क्या करोगे? मुझे लगता है इनका पीछा करना चाहिए।
देखो, जेनी और जैक वापस आ रहे हैं। मुश्किल है। फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर से शॉपिंग। ये जो कैमरा आप देख रहे हैं, इसके साथ हम एक आधुनिक प्रिंटर बिल्कुल फ्री में देंगे। ये बहुत ही किफायती है, इसे खरीदना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे तो आपने पहचान ही लिया होगा। हमारे स्टोर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपने तो हमें डरा ही दिया था। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लाया हूँ, ये फेरी टेल एक्सपीरियंस सेट। फेरी टेल एक्सपीरियंस सेट? हाँ, ये बहुत बेहतरीन है। आप एक फेरी टेल का अनुभव कर सकेंगे। हमारे पास पहले मोमोटारो वर्जन था और अब एक उराशी मोटारो वर्जन है। पर आप, मैं आपके सामने पेश करता हूँ ये वाला सबसे बेहतरीन है। हाँ? इस्तेमाल करना बेहद आसान है। इस सीट को किसी भी बैम्बू में रख दीजिए और बस देखिए। अरे मजेदार लगता है। नहीं बिल्कुल नहीं, 22वीं सदी के डिपार्टमेंट स्टोर में अजीब चीजें ही मिलती हैं। अरे आप हमारे बारे में ऐसा मत कहिए। चलिए ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ, आप इसे इस्तेमाल करना चाहें तो कर लीजिए और अगर नहीं तो कोई बात नहीं। अभी फोन उठाइए और ये लाजवाब प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए। क्या करूँ इन लोगों का? डोरेमोन तुम भूल गए तुम्हें कहीं जाना था? मैं तो अपने लिए डोरा केक्स लेने जा रहा हूँ। अभी डिस्काउंट चल रहा है, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। हाँ यहाँ बैम्बू जैसी कोई चीज तो दिख नहीं रही। हाँ ये कुछ बैम्बू जैसा है, तो मैं इसे बैम्बू में बदल दूं? अरे ये तो अंदर चला गया। क्या बात है मॉम? नोबिता मैं सफाई कर रही थी, अचानक मेरे सामने ये आ गया। अरे मून प्रिंसेस! अरे क्या मून प्रिंसेस? अरे ये बहुत ही प्यारी है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये एक रोबोट है। सही कहा माँ। अरे रोते नहीं है बेटा, रोते नहीं है, तुम तो अच्छी बच्ची हो। जरा देखिए इसे कितनी प्यारी है ये। तुमने सही कहा, इसके आने से हमारे घर में खुशियाँ और बढ़ जाएंगी। वाह। अब नोबिता के बाद हमारे घर में एक छोटी सी बेटी भी आ गई, अच्छा है ना? ये मून प्रिंसेस है। सही कहा। चलो अब हम सब मिलकर खाना खा लेते हैं। खाना शुरू करते हैं। जरा बताओ तुम्हें खाना कैसा लगा? मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हारी जितनी मर्जी है तुम खा सकती हो, कुछ भी मांग लेना। ओके ठीक है। और लो ना, तुम्हें ये भी बहुत पसंद है ना? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता था तुम्हें ये भी बहुत पसंद आएगा। सुनिए डैड, मेरी वजह से मून प्रिंसेस यहाँ पर आई है। अरे शिजुका। सुनो नोबिता, मुझे अपने कपड़े अभी और इसी वक्त वापस चाहिए। शिजुका इतना गुस्सा मत हो, बात यह है कि हाँ क्या ये तुम्हारी दोस्त है नोबिता? आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं मून प्रिंसेस हूँ। ठीक है तो आज मैं नोबिता को अच्छी ट्रेनिंग दूंगा। हाँ जी आन, उसमें तो बहुत मजा आएगा। तुम पर बहुत अरे ये क्या? तुम अगर चाहो तो इन्हें रख सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हम बाद में मिलते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शिजुका बहुत अच्छी दोस्त है ना? सही कहा। नोबिता। अरे जी आन, और सुनो भी है। अरे ये कौन है तुम्हारे साथ? क्या तुम्हारा मतलब मून प्रिंसेस से है? क्या कहा मून प्रिंसेस? अरे इसकी आवाज कितनी अच्छी है, इससे प्लीज कहो ना, मैं इससे दोस्ती करना चाहता हूँ। हाँ मैं भी।
चलो जरा देखते हैं। दरअसल बात यह है कि मून प्रिंसेस को एक गेम चाहिए। क्या कहा, गेम? हाँ बिल्कुल, और वो ये भी कह रही थी कि उसे टेस्टी मिठाई खानी है। क्या कहा, मिठाई? मुझे यकीन है अगर तुम गेम्स और मिठाई लाओगे तो वो तुम्हारी दोस्त जरूर बन जाएगी। जी आन और सुनिया। समझ गए, हम अभी जाकर सामान लेकर आते हैं ताकि हम दोस्ती कर पाए। तुम्हें अपना दोस्त बनाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्यारे डोरा केक। रुक जाओ, मैं तुम्हारा डोरा केक लेना चाहता हूँ। नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैं इसे लेकर ही रहूँगा, समझे? मून प्रिंसेस के लिए मिठाई मिल गई। जियान ने क्या कहा? मैं वापस आ गया और मैं अपने साथ बहुत कुछ लेकर भी आया हूँ। ये बहुत सारे हैं, लेकिन दोस्ती करने के लिए काफी नहीं है। सुनियो। क्या? नोबिता मेरी बात सुनो। हाँ? अरे वाह, देखो मैं बिल्कुल लेटेस्ट गेम लेकर आया हूँ। हाँ? अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। सुनो नोबिता, एक बात बताओ, तुमने फेरी टेल एक्सपीरियंस सेट इस्तेमाल किया है ना? अगर मून प्रिंसेस की बात करें, एक बुजुर्ग अंकल ने इसे बैम्बू ब्रश में ढूंढा था। मुझे नहीं पता। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आगे क्या हुआ होगा। क्या तुम्हें पता है डोरेमोन कि उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद ये हुआ कि कोई फुल मून की रात को आया और उसे अपने साथ वापस मून पर ले गया नोबिता। लेकिन वो रात तो कल ही है। क्या कह रहे हो तुम नोबिता, क्या वो चली जाएगी? क्या कहा, चली गई? मैं इस बात पर यकीन कर ही नहीं सकता, समझ गए? आखिर उसे ऐसे कोई कैसे ले जा सकता है, वो हमारी दोस्त है। ये हमारा फर्ज है कि हम मून प्रिंसेस को बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। डैड, आप चाहे तो जा सकते हैं। मेरी बेटी को मेरी अभी ज्यादा जरूरत है। क्या हुआ मून प्रिंसेस? ये आखिर है क्या? इसकी रोशनी बहुत ही ज्यादा तेज है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें मून प्रिंसेस को यहाँ से नहीं ले जाने देंगे। मेरा शरीर, मैं हिल नहीं पा रहा। डोरेमोन, तुम्हारे पास कोई गैजेट नहीं है क्या जिससे ये वापस चले जाए? देखने दो, टॉय सोल्जर्स। रुक जाइए, अंदर मत आना। ये क्या हो रहा है? चलो चलते हैं प्रिंसेस। मून प्रिंसेस, मून प्रिंसेस, मून प्रिंसेस, मून प्रिंसेस, मून प्रिंसेस जा रही है। मुझे तुम सब लोगों की बहुत ज्यादा याद आएगी। मत जाओ। रुक जाओ। अरे नहीं, रुक जाओ। ये आपके लिए। हाँ? आप सभी अपना ख्याल रखना। मिलने जरूर आना।
यकीन नहीं हो रहा कि वो चली गई। तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। मैं ऐसे नहीं पढ़ सकता, तुम पढ़ो डोरेमोन। हमारा ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपका शुक्रिया। प्लीज पैसे फ्यूचर बैंक में जल्द से जल्द डाल दीजिए। उम्मीद है आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा। फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर, सुन लिया सबने? मुझे यकीन था आप जरूर खरीदेंगे।